आदमी पार्टी के दिल्ली से विधायक सोमदत्त ने टोहाना में पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया व कहा कि कोई भी कभी भी दिल्ली में जाकर वहां के सरकारी स्कूलों व हॉस्पिटलों का दौरा कर सकता है, वहां पर हालात सुधार दिए गए हैं। वहीं उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान हरियाणा में स्कूलों के हालात को दयनीय बताया। उन्होंने रतिया के जाखन दादी स्कूल की हालत को बताते हुए कहा कि वहां पर स्कूल की बिल्डिंग में पशु बांधे जाते हैं। इससे पता लगता है कि सरकार शिक्षा व स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। वहीं हरियाणा में आम आदमी व दुष्यंत के गठबंधन की बात पर वो बचते नजर आए। उनका यह भी कहना था कि उनके कार्यकर्ताओं को सरकार द्वारा डराया जा रहा है। पिछले लगभग 4 या 5 दिन से टोहाना में गया, रतिया में गया, नरवाना में गया, और रतिया में तो एक जगह इनफेक्ट बड़ी कमाल की देखी मैंने। वहाँ पे एक गांव है जाखन दादी नाम से, उस गांव में स्कूल में बच्चे नहीं थे, टीचर नहीं थे, सिर्फ पशु बंधे हुए थे। मैं बड़ा हैरान था कि हमारे देश में ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ स्कूल में सिर्फ नाम का ही स्कूल है और वहाँ कुछ भी नहीं है, बस स्कूल में पशु बंधे हुए हैं। तो बहुत हैरान था मैं देखकर स्कूलों की हालत देखी। अस्पताल जाखल में गया मैं देखने, जाखल में अस्पतालों की हालत भी बहुत भयंकर, बहुत ख़राब थी। पेशेंट्स पे बिल्कुल बेसिक फैसिलिटीज़ का बहुत अभाव है, कुछ भी ना स्टाफ अवेलेबल है वहाँ पे। तो ये स्कूलों और अस्पतालों की हालत वास्तव में हरियाणा में बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत जगह प्रोटेस्ट करा रहे हैं, ठीक है, तरह तरह से कोशिशें हो रही हैं, थ्रेट आ रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, विधायकों को भी तरह तरह से बोलते हैं इस इशू के ऊपर, एक्सपोज हो रहे हैं वो कि उन्होंने से खबरें आ रही हैं कि कोई गठबंधन की बात चल रही है और दुष्यंत जो है CM होंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में तो मैं झांक नहीं सकता, ना मैं ज्योतिषी हूँ। ये समय आने पे आप सबको बिल्कुल पता चल जाएगा बाकायदा जो भी होगा। ये हरियाणा में गठबंधन की राह को पकड़ेगी, ये तो सब भविष्य के गर्भ में छुपे हुए सवाल, इनका मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा आपको। ये अभी सबके जो भी होगा सबके सामने भविष्य में आ जाएंगे। ये हरियाणा में गठबंधन कर सकते हैं आप? अभी कुछ इस बारे में नहीं कह सकता, ना हाँ कह पाऊंगा ना कह पाऊंगा। कम से कम गठबंधन के खिलाफ नहीं है हरियाणा में? मैं ना यस में जवाब दूंगा ना नो में जवाब दूंगा इसका।